रोड है जो कचहरी रोड से आ रही है और ये रोड गुरट्टी रोड जा रही है और ये सामने ये आप तो ये जो सामने चौराहा है यहाँ पे ही सामने मुल्तानी छोले चावल की सबसे फेमस शॉप है। 15-20 साल से ये चला रहे हैं और काफ़ी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अभी फिर हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा है। ये हैं जो ओनर हैं यहाँ के मुल्तानी छोले चावल के। कितने सालों से आप यहाँ बना रहे हैं मुल्तानी छोले चावल? 15 साल करीब हो गए। और क्या खास बनाता है आपको कि मुल्तानी छोले चावल? ये रेसिपी मुल्तानी पंजाबी डिश है मुल्तानी। ओके, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट रहते हैं? राजमा है जैसे आपका? राजमा चावल होता है, वीकली आइटम होता है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा फेमस डिश कौन सी है आपकी? मुल्तानी छोले चावल। और सूप जो आपका फेमस है? आज नहीं, आज मतलब मंगल को नहीं मिलता है, ट्यूजडे ऑफ रहता है सूप का, बाकी दिन मिलता है। पंजाब की खास डिश है। और ये पालक जो है, ये तो सब मैंने पूरा कंप्लीट बनता है ना, कंप्लीट डिश बनती है। अच्छा, छोले होते हैं, चावल होते हैं, देसी घी होता है, पनीर होता है, पालक होता है, प्याज होता है, मोटी बढ़िया होती है, तब जाके ये पूरी डिश बनती है। ओके ठीक, थैंक यू। ये नमक है वो बड़ी हो। अच्छा अच्छा, ये क्या डाला भैया? बहुत बड़ी। हाँ, वो भी वो जानने वाले थे, वो रामपुर गए भैया। भाई चने डाल दिए, अभी निकालता हूँ, बस अभी निकलवाता हूँ क्योंकि वो वाले डाल दिए भैया। वो वाले उधर वाले राजमा अब तो कहाँ चने डाली हो, वो बता दिए। क्या डाला आपको? हाँ क्या, थैंक यू। ये देखिए हमारी प्लेट, ये हमारी मुल्तानी छोले चावल की प्लेट। अब इसे हम टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, ये पालक है, प्याज है, पनीर है और इसमें गोद की बरी डली हुई है। और ये पंजाब की रेसिपी है जैसे कि भैया ने बताया, मुल्तानी छोले चावल। और ये अब हम आपको टेस्ट करके बता रहे हैं। आपने ज़रूर खाया होगा, इसमें हल्की हल्की सौंधी आपकी मुल्तानी जो मुल्तानी बरी है उसकी हल्की हल्की सौंधी स्मेल आती है और देसी घी का जायका आता है। बहुत ही टेस्टी है, यूनिक है और ज़रूर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मुरादाबाद में कचहरी के आगे ही शॉप है, काली के मंदिर के पास, गुरट्टी से चाट की दुकान जो है गुरट्टी की, उससे पहले ही पड़ती है और छोटी सी दुकान है, लेकिन आपको यहाँ भीड़ दिख जाएगी। तो आप ज़रूर यहाँ आके ये मुल्तानी छोले चावल ट्राई कर सकते हैं। और नॉर्मल डेज में आप सूप भी मिलता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। बहुत टेस्टी है, बहुत। एक एक दाने में स्वाद है देखिए पूरा, क्योंकि दुकान में आपकी भीड़ बहुत रहती है तो बैठने के आपको इधर उधर ही बैठना पड़ेगा और खड़े होकर भी आप वहाँ पे खा सकते हैं।